कान का मैल कैसे हटाएं, हाउ वी रिमूव द ईयर वैक्स, ईयर वैक्स रिमूवल टेक्निक, ये वो सवाल है जो हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं। यस दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे रिगार्डिंग ईयर वैक्स। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जैसे मैं हमेशा आपको बताता हूँ, देखिए बेल आइकॉन को प्रेस करना एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, जिससे आने वाले अनेक उपयोगी वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, ईयर वैक्स बहुत बार, बहुत सारे लोग परेशान हैं, हमारे बच्चे जो है इससे परेशान होते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये क्या है ईयर वैक्स, बड़े ही संक्षिप्त में। दोस्तों, ईयर वैक्स बनना ईयर के लिए मैंडेटरी है, रियली ईयर वैक्स बनना ईयर के लिए मैंडेटरी है, जरूरी है। ईयर वैक्स क्या है, हमारे कुछ अंदर ग्लैंड्स होती हैं हमारे कैनाल के अंदर, पर्दे की आगे की तरफ, जो ये कुछ सीक्रेशंस करती हैं। उनका रोल होता है कि बाहर से जो वातावरण से जो बैक्टीरिया, वायरस, डस्ट, ये पार्टिकल ट्रैप उसके अंदर होते हैं और हमारे कैनाल को स्मूथ रखते हैं, जिससे कोई पानी या कुछ भी जाए तो रिप्लिकेंट एक्शन के कारण वापस आ जाए। ये एक प्रोटेक्टिव रोल होता है। अब दोस्तों, गोडने क्या है, हमारा शरीर बनाया बड़ा सोच समझ के बनाया, ये वैक्स बनता है और ये जो वैक्स है ये ऑटोमेटिकली बाहर आता है और यहाँ किनारे पे आता है, हम उसको क्लीन करते हैं, दिस इज द नॉर्मल सिस्टम। पर दोस्तों, बहुत बार क्या है, व्हेन एवर यूज मोर एंड मोर ईयर पैड, पेन, पेंसिल्स, कीज, सो एंड रिसेंटली वी यूज द ईयरफोन्स, सो वो वैक्स जो है वो अंदर चला जाता है एंड अंदर एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसको हम वैक्स की प्रॉब्लम बोलते हैं। अब दोस्तों, ये तो हो गया वैक्स की प्रॉब्लम्स, हमने जान लिया। अब इसका बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है? दोस्तों, ऐसे तो क्या है कि बहुत सारे लोग जो है वो पहले पुराने जमाने में सरसों का तेल भी डालते थे गर्म करके, और इसके अंदर जो है वो H2O2 भी डालते थे, सिरिंजिंग भी करते हैं, बट नाउ दे आर द आउटडेटेड। हमें बिना डायग्नोसिस ऐसे आपको जो है डालने की सलाह नहीं देते। इसका बेस्ट जो ईयर वैक्स क्लीन करने का सिस्टम जो है वो एंडोस्कोपिक ईयर वैक्स क्लीनिंग सिस्टम, एंडोस्कोपिक डी वैक्सिंग द ईयर सिस्टम। उसमें क्या किया जाता है दोस्तों, एक टेलीस्कोप के माध्यम से कैनाल में डाला जाता है और आपको मॉनिटर पे ये दिख जाता है कि कितना वैक्स है, और एक वैक्यूम होता है सक्शन, उससे उसको रिमूव कर लिया जाता है। एंड ये सिस्टम पूरा का पूरा वर्क आप मॉनिटर पे देख सकते हैं, पेशेंट भी देख सकता है। सो हमें ये भी डर नहीं है कि मेरे को चोट लग जाएगी, हमें ये भी डर नहीं है कि मेरे को घाव हो जाएगा, हमें ये भी डर नहीं है कि मेरे पर्दे में कहीं छेद हो जाएगा, क्योंकि जाने अनजाने में बहुत बार बिना देखे किसी इंस्ट्रूमेंट से हम आप ईयर क्लीन कराते हैं, कई बार झोला छाप डॉक्टरों के पास भी चले जाते हैं, कई बार जाने अनजाने में हम बहुत सारी ऐसी चीजें कान में डाल लेते हैं जो हमें नहीं डालना चाहिए दोस्तों, उससे हमारे पर्दे को नुकसान हो सकता है। सो आप जहां पे आपको लगता है कि मेरे ईयर में वैक्स है, यू गो टू द डॉक्टर एंड वहां पे पूछिए आपके पास ये एंडोस्कोपिक ईयर क्लीनिंग सिस्टम है कि मेरे को एंडोस्कोपिक ईयर क्लीन सिस्टम या माइक्रोस्कोप से ईयर क्लीन कराना है, जिससे मेरे को जो है वो रिस्क नहीं लेना कि मेरे ईयर के अंदर या मेरे ईयर ड्रम में चोट लगे, या मेरे को उसमें। आप छोटे बच्चों को भी क्लीन कर सकते हैं कि दे आर वेरी हैप्पी, क्योंकि वो उनके सामने होता है, वो मॉनिटर पे देख रहे होते हैं, उनको भी मजा आता है। सो आप अपना ईयर वैक्स क्लीन करा सकते हैं। रही दूसरी बात कि ये आपको हर दिन या हर 15 दिन में नहीं होता है, आप 5-6 महीने में एक बार क्लीन करा सकते हैं और फिर जो है बार बार, बट आपको जो यू नेवर यूज ईयरबड, पेन, पेंसिल हमारे ईयर में नहीं डालना चाहिए। सो दोस्तों, देखा कितनी महत्वपूर्ण जानकारी है। सो डेफिनेटली यू कैन शेयर दिस इन्फॉर्मेशन टू योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड कलीग्स, जिससे उनको अगर ईयर वैक्स की प्रॉब्लम है तो बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।